नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान के पाठ 2 का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार, संतुलित आहार ऐसा आहार यानी होता है भोजन। हम जो भी भोजन करते हैं उसको आहार कहते हैं, और यह जो आहार है जो हम ग्रहण करते हैं वह संतुलित होना चाहिए, यानी उसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, यानी पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, ताकि जिनकी हमारे शरीर और आवश्यकता है, यानी जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, उनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, उसकी उचित मात्रा होनी चाहिए। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम, यानी जो भी पोषक तत्व हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उसकी मात्रा न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए, क्योंकि अधिक होगी तो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, और अगर कम है तो भी वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, और वह उसकी अधिक मात्रा या कम मात्रा हमारे भोजन को संतुलित नहीं करती है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। भोजन में पोषक तत्वों के अलावा रुक्षांश व जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, यानी भोजन का वह प्रकार जिसमें कि सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपस्थित हो संतुलित आहार कहलाता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, यानी जो बच्चा है, जो जवान है, जो बूढ़ा है, यानी इन सभी की आयु में कुछ ना कुछ अंतर है, तो इनका जो आहार होगा वह भी अलग अलग प्रकार का होगा और इन्हें अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? हमारा जो भोजन होता है वह हमारी आयु तथा हमारे शारीरिक श्रम पर निर्भर करता है। जो जितना शारीरिक कार्य करता है उसे आहार की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। यदि एक व्यक्ति रोज की रोज दही, चावल, रोटी और दाल खा रहा है तो उसको सभी चीज़ें प्राप्त होगी। देखो, जो रोटी है वो कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ है, दाल प्रोटीन युक्त है, और जो दही है उसमें विटामिन सी है और प्रोटीन है, यानी उसे सारे के सारे पोषक तत्व प्राप्त हो गए। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है वह अपने खाने में सिर्फ दाल ले रहा है, तो बताइए अब क्या उसको सारे पोषक तत्व प्राप्त होंगे? नहीं, क्योंकि दाल सिर्फ प्रोटीन ही देता है, और जो व्यक्ति दाल का सेवन कर रहा है उसे सिर्फ प्रोटीन ही पोषक के रूप में प्राप्त होगा, अन्य पोषक तत्व की उसमें कमी आ जाएगी। दालें मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिसी रोटी, थेपला, अनाज,
वह दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियाँ तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है, यानी किसी व्यक्ति को पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए ज़्यादा महंगा भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? हम जो भी भोजन बनाते हैं उसे जब हम पकाते हैं तो उसके कुछ विटामिन्स जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। यानी जो भी फल सब्जियां होती है उनके छिलकों में जो है और दालों के छिलकों में सबसे ज़्यादा विटामिन की कुछ मात्रा होती है। जब हम उन्हें छीलते हैं तो ये विटामिन उनके छिलकों के साथ बाहर चली जाती है व उस खाद्य सामग्री में विटामिन की कमी। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। जैसे यदि हमने आलू को उबाला तो आलू का जो उबला हुआ पानी था उसे हमने बाहर गिरा दिया तो क्या होगा, जो आलू के जो पोषक तत्व थे वह सब उस पानी में मिश्रित होकर बाहर चले जाएंगे। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? यानी हमें जो फल है और जो कच्ची सब्जियां हैं उनको कच्चे रूप में ही खाना चाहिए या उन्हें अधिक पकाना नहीं चाहिए? बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है, क्योंकि बूझो ने सोचा कि मैं वसायुक्त भोजन करूंगा तो मुझे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि जो वसा वाला भोजन होता है वह ऊर्जा प्रदान करता है। तो उसने सोचा कि वसा ही वसा खाऊं ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा, क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया। यानी उसको हमने पहले पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट से वसा जो होती है वो हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए उसने सोचा कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ना करूं और वसा युक्त भोजन कर लूं तो मुझे ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होगी। तो उसने सिर्फ समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि जो तली हुई चीज़ें थी वो उसने ज़्यादा से ज़्यादा खाया। अब खाया तो इसके अलावा और उसने कुछ भी नहीं खाया तो क्या हुआ कि वह ठीक था। आप सोचते हैं कि वह ठीक था क्योंकि उसको ऊर्जा मिल रही थी, निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है और वह जो बूझो था वह इस तरह से खा पी के मोटा हो गया क्योंकि उसने बहुत सारा वसा युक्त भोजन खाया तो वसा की मात्रा उसके शरीर में अधिक हो गई। अन्य पोषक तत्वों की जो मात्रा थी वह कम हो गई और उसका वजन बढ़ गया और वह उसे मोटा बना दिया। अब हमारा टॉपिक है अभावजन्य रोग।
देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, अभावजन्य यानी किसी का अभाव है, और किसी के अभाव के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह रोग कहलाता है अभावजन्य रोग। और जब चूंकि हम इस बार में पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह जो अभाव है वह किसका होगा, अभाव होगा पोषक तत्वों की का ही अभाव होगा, यानी पोषक तत्वों के अभाव के कारण जो रोग उत्पन्न होंगे वो अभावजन्य रोग होंगे। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी यानी कभी-कभी हो जाती तो चलती है, लेकिन जो ये पोषक तत्व की कमी हो रही है, अगर यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी जो रोग किसके कारण हो रहे हैं, लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण हो रहे हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिस आदि। जो व्यक्ति अपने भोजन में रोज प्रोटीन का कम मात्रा में सेवन कर रहा है तो प्रोटीन की उसके शरीर में कमी हो जाएगी, और जब प्रोटीन की शरीर में कमी हुई, क्योंकि प्रोटीन जो है वो शरीर वर्धक भोजन है, अब जब प्रोटीन की कमी हो गई तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारियां और पेचिस आदि जैसी बीमारियां हो जाएगी। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, क्योंकि प्रोटीन शरीर वर्धक है और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा वर्धक है। जब शरीर की वृद्धि ही नहीं होगी, उसे ऊर्जा प्राप्ति नहीं होगी, तो वह चलने में असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है, और जो भी ये अभावजन्य रोग है ये हमें ना हो इसके लिए हमें संतुलित आहार करना चाहिए। अगर हम रोजाना संतुलित आहार करेंगे तो हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और हमें कोई भी प्रकार का रोग नहीं होगा। कारण होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं और उस रोग के लक्षण क्या है उसके बारे में जानते हैं। सारणी 2.3 विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और उससे हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले विकार। सबसे पहले विटामिन खनिज, फिर है अभावजन्य रोग यानी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा, और उस रोग के लक्षण कि उस रोग होने पर हमें क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देंगे। तो पहला नंबर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता रोग होता है। हम अब इसके लक्षण क्या होंगे, कमजोर दृष्टि होगी यानी हमारी आंखें कमजोर होगी, अंधेरे में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, और इस बेरी बेरी नामक रोग के लक्षण है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी। विटामिन सी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है, और इस स्कर्वी रोग के लक्षण है कि हमारे मसूड़े से क्या आने लगता है, खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स नामक रोग होता है, और इस रिकेट्स नामक रोग में हमारे शरीर की जो अस्थियां होती है वह मुलायम होकर मुड़ जाती है। कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमें अस्थियां और दंत क्षय होता है, यानी हमारी हड्डियां जो होती है वो पिघल गलने लगती है, दंत क्षय यानी दांतों का क्षय होने लगता है, दांत टूटने लगते हैं, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन।
आयोडीन के बारे में हमने पढ़ा था, जो आयोडीन है हमें नमक से, पालक से आदि से प्राप्त होता है, और इनकी कमी से हमें गेंगा या गोइटर नामक रोग हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता का आना इसका लक्षण होता है। लोह, लोह पोषक तत्व की कमी से अरक्तता हो जाती है, यानी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। जब खून की कमी हो गई तो हमारे शरीर में क्या आएगी, कमजोरी। तो ये सारी जो सारणी है बच्चों, आपको याद करनी है और अपनी कॉपी में लिखनी भी है कि किस विटामिन से या किस खनिज लवण से हमें कौन सा रोग होता है। इसी के साथ यह पाठ 2 पूरा होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे का पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। या आज यहीं तक। धन्यवाद।